गाजा के अंदर ऑपरेशन का प्लान। मौके पर आईडीएफ दक्षिण कमान के हेड सैनिक और कमांडरों से बात की। यह बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं, यह बहुत बड़ी खबर है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है, नेतन्याहू इज़राइल के सैनिकों के बीच पहुंचे। नेतन्याहू, ब्रेक करिए द वीडियो, सैनिकों से की मुलाकात, ये देखिए जरा। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले बढ़ाया हौसला। राहुल, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट और सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, आप तो गाजा के एकदम उसी पॉइंट पर मौजूद हैं। गाजा में बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है, व्हाट इज द अपडेट सुमित? देखिए बिल्कुल, आपने आर्मर्ड व्हीकल बता दी जो अमेरिका से आई थी। निशांत, मैं आपको बताऊं, थोड़ी देर पहले का अपडेट यह है कि 45 एयरक्राफ्ट 1000 टन से ज्यादा एमुनिशन लेकर इसराइल की सरजमी पर उतर चुके हैं। देखिए, मैं आपको लगातार कह रहा था कि इसराइल की सेना तब तक ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करेगी जब तक उसको ये पता ना हो कि उसके पास पुरुषोत्तम जी। इस वक्त की बड़ी खबर सुमित ब्रेक कर रहे हैं। सुमित गो इट, फिर से बताइए खबर प्लीज, इस खबर की ब्रेकिंग तैयार करिए। सुमित बताइए। देखिए बिल्कुल, लेकिन निशांत बिल्कुल 45 एयरक्राफ्ट जो है 1000 टन से ज्यादा एमुनिशन लेकर इसराइल की सरजमी पर उतर गए हैं और आईडीएफ ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि देखिए ये और एमुनिशन है जो हमारे पास आ गया। गाजा पट्टी के अंदर 45 अमेरिका के 45 एयरक्राफ्ट हथियार लेकर इसराइल पहुंचे। अमेरिका के एयरक्राफ्ट में 1000 टन से ज्यादा के हथियार, आईडीएफ ने किया दावा। ये तीन लाइनें, अमेरिका के 45 एयरक्राफ्ट इसराइल पहुंचे हथियार लेकर। दूसरा, अमेरिका के एयरक्राफ्ट 1000 टन हथियार लेकर पहुंचे इसराइल, आईडीएफ ने किया दावा। सुमित गोयट, और सिर्फ ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ दिखाइएगा इस खबर को। सुमित गोयट, देखिए बिल्कुल, देखिए कहा ये जा रहा है ये अमेरिका के नहीं लेकिन अलग अलग जगहों से आए। और अभी मैं आपको बता दूं कि ये बात मुझे आईडीएफ के एक कमांडर ने बहुत स्पेसिफिक तौर पर कहा था कि हम जानते हैं कि कई फ्रंट खुलेंगे हमारे लिए, जैसे हम गाजा पट्टी के अंदर घुसेंगे कई फ्रंट एकाएक हमारे लिए खुल जाएंगे, इसलिए हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये खाली अमेरिका के नहीं है, आर्मर्ड व्हीकल जो अमेरिका से आई है उसमें बताए जा रहे हैं। सुमित गोयट, सॉरी, देखिए बिल्कुल, जो आर्मर्ड व्हीकल आप बता रहे हैं वो आर्मर्ड व्हीकल जो है वो इसलिए आई है क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर जो सैनिक घुसेंगे या लेबनन बॉर्डर की अगर घुसने की कोशिश की गई तब वहां पर आर्मर्ड व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि कई जगहों पर हमास ने बड़े माइंस को लगा रखा होगा। जब ग्राउंड फोर्सेज अंदर घुसेगी तो उनको ज्यादा कैजुअलिटीज ना हो, ऐसे में आर्मर्ड व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी। आर्टिलरी फायर जरूर किए जा रहे हैं, टैंक जरूर मूव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सुमित, आपका जुड़ने के लिए। मनीष, आपका भी शुक्रिया। गाजा में इजरायली हमला तेज, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा इज़राइल की घातक एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए विद द वीडियो। दीर अल बला में रिहायशी इमारत तबाह कर दी गई, वीडियो के साथ। ध्वस्त इमारत में था हमास का कमांडर, हमास का दफ्तर, लोकेशन, स्थानीय लोगों को ढाल बना रहा है हमास, ये बड़ी खबर आ रही है। दूसरी ब्रेकिंग सीधे आइए, 12 गया फिलिस्तीनी सेना का कमांडर, ब्रेक करिए। नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर की मौत विद द वीडियो। मेजर जनरल जिहाद मोहसिन के घर पर बमबारी, ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में सीधे आइए, बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में चर्च पर हमला किया गया है, ब्रेक करिए। दुनिया के तीसरे सबसे पुराने चर्च पर हमला किया गया विद द वीडियो, दिखाइए जरा। सेंट पोर्फिरियस चर्च पर बमबारी की गई, 2000 साल पुराने चर्च पर अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लीबिया में भी बड़े टकराव की आहट, ब्रेक करिए। विद्रोही ग्रुप की इटली की आर्मी को धमकी, ब्रेक करिए राहुल। 48 घंटे में लीबिया छोड़ने की चेतावनी, समुद्र आर्मर्ड ग्रुप के लीडर की धमकी। और लास्ट ब्रेकिंग के साथ मैं क्लोज कर रहा हूं शो को, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हालात बेकाबू विद द वीडियो। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हजारों लोग, ये देखिए जरा, वीडियो देखिए जरा। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल,